हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और आज है 7 तारीख। हैप्पी रोज डे। हैप्पी रोज डे। अभी तो सो के उठाओ ढंग से यार। उस टाइम तो मैं नहा के ना भी चुकी हूँ। स्वाति नहा भी चुकी है और पास्ता खा रही है। हाँ हैप्पी रोज डे बेटा, हैप्पी रोज डे, हैप्पी रोज डे बोल दो। हैप्पी रोज डे। तो सुबह का नाश्ता पास्ता और चाय, आ जाइए। तो गाइस 2:11 हो गए और आज है 7 फरवरी। देखो कैसे बैठी है। वेरी गुड। खाना खा रही? खा लिया। वेरी गुड। और मेरे सर दर्द हो रहा बहुत जोर की, समझ नहीं आ रहा। ये वाला हिस्सा ओह बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। ये फिर से मेरे पहले बचपन में मेरे आधे सर में दर्द हुआ करता था। मेरे को लग रहा है ये फिर से लौट के नहीं आ गया। वो बहुत बुरा दर्द होता है आधे सर का दर्द। ओ शिट, पूरे में हो ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ओ शिट समझ नहीं मान। तो गाइज दोपहर के 3 बज गए, मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत जोर की। मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कि क्या दिक्कत हो रही है, कि अभी तक तो ऐसा एकदम से था नहीं। क्या हो गया? जाने लग गई है। अरे बद्दुआ कुछ नहीं होता, मैं किसी कुछ नहीं मानता। आंखों से पानी आ रहा है इधर से। अगर यहाँ हाथ भी रख रहा हूँ तो इतनी भयंकर दर्द हो रहा, समझ नहीं सकते आप लोग किस तरीके का दर्द है ये। आज तक ऐसा दर्द नहीं हुआ है। बचपन में होता था वो अलग दर्द था और ये अलग दर्द है। ये इतना हिस्सा, अगर मैं ऐसे हाथ भी फिरा रहा हूँ ना तो बहुत भयंकर दर्द हो रहा, पानी निकल रहा है। तो चल रहा हूँ मैं हॉस्पिटल। स्वाति फ़ोन चार्जिंग पर लगा के जा रहा हूँ। तो वीडियो ले फिर। हाँ तुम्हारा फ़ोन लेके जा रहा हूँ। तो गाइस घर वापस आ गया, बाबू के लिए लिया है डाइपर और वाइप्स। भागो बेटा खूब भागो। और दवाई भी लिया है मैं। दवाई खाते हैं। अगर तूने ये तार छुआ तेरे रैपटा पड़ेगा कान ही कान में, बता रहा हूँ। साइड हो जा, इधर आ जा। हाँ वेरी गुड, इधर। तो गाइज अब हम लोग भी कर रहे हैं पैकिंग। तो बहुत सारे कमेंट आ गए थे कि आप लोग को जाना चाहिए। मैं कमेंट की वजह से नहीं जा रहा हूँ, मेरा कॉल आया था दीदी का भी। हाँ अमित भाई का पर्सनल कॉल आया है, किट्टो दीदी का कल आया था रात को, तो ये सब है। तो फिर मैंने कहा यार चलो चलते हैं। लेकिन मेरे सर में दर्द अभी भी हो रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं चलते हैं। भाई ने बुलाया क्योंकि छोड़ो जो है वो है। मैं किसी के फंक्शन में जाऊंगा तभी सामने वाला मेरे फंक्शन में आएगा, या कभी भी की कभी जरूरत होगी तो आएगा। एक दूसरे के साथ मिलके रहना चाहिए। चलते अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, उसके बाद निकलते हैं। पैकिंग वगैरह हो रही है, लाइट भी आ गई। मतलब देखा कितना सच बोल रहा था मैं। तो स्वाति कर रही है पैकिंग। ब्लैक कलर पहनना है बर्थडे वाले दिन। हाँ जी। और कल है पूजा, और पूजा वाले दिन कुर्ता पजामा पहनना है। उसमें तो कोई कलर नहीं है ना, ग्रीन ना आपका कोई नहीं है। हाँ बस वेरी गुड। सुनो तो ये थीम मत रखा कीजिए सर। डेली आप क्या पहनोगे? मतलब डेली क्या पहनोगे? आज तो अभी पहन के जाओगे ठीक है। हाँ। और कल सुबह तो कुर्ता पहन लोगे ठीक है। तो पूरे दिन कुर्ते पहन रहोगे आप। हाँ। है ना। परसों सुबह क्या पहनोगे? फिर यही पहन लूंगा ड्राइवर वाले कपड़े। और उसके बाद 10 तारीख को क्या पहनोगे? 10 तारीख को फिर यही पहन लूंगा ड्राइवर वाले कपड़े। यही कब तक पहनोगे? एक जोड़ी और रख लो ड्राइवर वाले का। जींस ना रखो, आई डोंट लाइक जींस। तो ये दूसरे, चलो ये जींस रख लो ठीक है। एक ये जोड़ी हो जाएगा बाद में वहाँ पे। बस जब हीरो बनने की बारी है तभी हीरो बनो, नहीं तो अपने जैसे हैं वैसे रहो भैया। तो 2 जोड़ी कपड़े, एक ही वाली शर्ट और ये शर्ट मेरी फेवरेट है। तो 2 शर्ट हमने ले ली है। जब कोई फंक्शन नहीं है तो ये पहनो, नहीं तो अपना जब फंक्शन में तैयार होने की बारी है तब तैयार हो। ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा रख लिया है मैंने, ब्लैक कलर की थीम है। जब है एक कुर्ता पजामा तो दूसरा क्यों खरीदना है ना। हाँ सही बात है। लड़कियां खरीदती है भाई, उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन हमें लड़के, हमें ज्यादा कपड़े खरीदने का शौक। ध्रुव के लिए भी खरीदा? हाँ। खरीदा है, खरीदना है। अरे उसे रहने दो, वो ब्लैक ही है जो उसने पहन रखा है। चलो ठीक है खरीद लेंगे। तुम अपने लिए, बच्चे के लिए खरीद लो, अपना तो हो जाएगा काम। तो फाइनली हम जाने वाले हैं और मैं देख रहा हूँ वीडियो, रुद्र भाई भी पहुँच चुके हैं और शाश्वत भाई भी पहुँच गए हैं
और भी कई लोग पहुंच गए हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब होना चाहिए और जिसके यहाँ जा रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए। तो चलो चलते हैं। और सच बता रहा हूँ, ये जो अपने व्लॉग्स में डायलॉग्स मार रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ उनको एक ही बात बोलूँगा, डायलॉग से मेरे से मत भिड़ना, भगवान की दुआ से बहुत डायलॉग आते हैं मेरे को भी, ठीक है। हाँ बस ये दो अटैची रख लो स्वाति, एक ही अटैची कर लो और वो बाबू की अपनी अलग। इतने डायपर, इतने डायपर सो रहा है, अबे हग लिया कर। तो गाइज फाइनली मैं नहा धो के आ चुका हूँ और रेडी हो चुका हूँ, और मैंने यही ड्रेस पहन ली है क्योंकि मुझे गाड़ी चला के जाना है, 4-5 घंटे का रास्ता है। हमारा सामान हो गया है पैक, हमारा बाबू अभी तक बेहोश है, सो रहा है। और चार्जर वगैरह सब कुछ रख लो, स्वाति ऐसे चल रही है, ऐसे चलोगे उनके घर? कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे? चलो मम्मी जा रहे हैं, ठीक है हम देखो 11-12 तारीख तक आएंगे। चलो ठीक है, और सामान सारा रख ही दिया। हाँ, चलो चलो बाय। पापा भी तहसील जाएंगे तो बोल देना 12 तारीख तक आएंगे। मैं खुश रहो, मोती ख्याल रखना, ठीक है, समझा रहा हूँ प्यार से। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख कहूँगा, 4-5 दिन ख्याल रखना मम्मी पापा का, ओके। पापा मिल गए गेट पे ही जा रहे, उसे मतलब थोड़ी है बाबा मिल गए ना, आप क्या मतलब। चलो ले जल्दी ले, चलो वहाँ तक छोड़ा गाड़ी का। हाँ हम लोग बैठ गए गाड़ी में, टाटा जा रहे, ओ ओ हट नहीं जा रहे, गाड़ी में बैठते हैं। गाइस तो फाइनली हम नोएडा में आ गए हैं। देखो टाइम दिखाओ कितना रह गया, 6 बजे निकले थे हम, बताओ 10:30 बजे पहुंचेंगे। तो भाई बहुत लंबा लंबा दूर का सफर है, और कोई नहीं, आप तो दिल्ली नोएडा में ऐसे लगने लगा है कि बस यही मार्केट ही है, इसीलिए तो 6 बजे निकले हम आराम से। क्या आराम से, चलो आज मेरे सर में दर्द था इस वजह से थोड़ा लेट निकला, नहीं तो हमारा आज सुबह 6 बजे निकलने का प्रोग्राम था। क्योंकि हमें पूजा में शामिल होना था पर हम नहीं निकल पाए, पर कोई नहीं, कल भी पूजा है, कल सुंदरकांड है, कल सुंदरकांड है। हाँ तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे, हैं बाबू? वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन कौन आ चुका है, नेहा दीदी आ चुकी है, नीतू दीदी आ चुकी है, रुद्र भाई आ चुके हैं, सबनम दीदी आ चुकी है, तो अभी इनके बारे में शाश्वत भाई आ चुके हैं, तो इनके बारे में बताइए, सब लोग आ चुके हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं, मेरा मजा आने वाला है और बहुत धमाल करूंगा मैं यहाँ भी, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूंगा, चाहे 10 फंक्शन हो, जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, बस आगे से आपको कोई पंगा नहीं मिलेगा मेरी तरफ से, जो भी हुआ उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। जय माता दी। मुझे बहुत दुख है इस चीज का कि मेरा झगड़ा हुआ है, मैं झगड़े से दूर रहने वाला बंदा हूँ। क्या हुआ? एक तो ये लड़का, कोई बात नहीं, एक तो ये लड़का मुझे बड़ा परेशान करता है सच्ची में। आगे से निराश नहीं करूंगा, मैं सच बता रहा हूँ पिछले 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ इस चीज से, यार मैंने झगड़ा किया यार, मैं कंट्रोवर्सी में फंस गया, अगली बार से मौका नहीं दूंगा पक्का, सॉरी दिल से। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं, 10:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया लेकिन फिर भी आ गए आज की डेट में, और ये देखिए बिल्डिंग, आए हाय 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 हाय, आज की डेट से फंक्शन शुरू थे, आज की डेट में बिल्डिंग्स में आ जाते ना, हमें अपने अमरपाली की याद आ जाती है ना, बाबू हम भी पहले इसी में रहते थे बिल्डिंगों में, तुम थे ही नहीं, फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं फिर ले लेंगे। इससे हटाओ ये, तुम इधर आओ ना कैमरे में, ये बाबू लिफ्ट में जा रहा है, लिफ्ट में अच्छा लग रहा है। नमस्ते, नमस्ते, इधर अंकुश भाई हमारे आ गए हैं, वीडियो भी शूट कर रहे हैं, क्या करें अभी भी लेते हैं। बाबू कैसी हो? कैसे हो? कैसे हो आप? मुझे नहीं पता है यात्रा ले तो मैं तो लड़की बना दिया भैया, आपको पता ही नहीं था अभी होम दूसरी। ओ भाई क्या सजा रखा है, वाह नहीं यही गड़बड़ हो गया आज सर,
हेलो, स्वागत नहीं करेंगे। देखा टाइम पे आया हूँ मैं, टाइम पे आया हूँ मैं। नौ आठ तारीख नहीं आ रही थी, तुम्हारा छूट गया। टाइम पे आया हूँ, सात तारीख को बुलाया, सात को आया हूँ। अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए भाई साहब। अरे भैया यार क्यों यार, मजे ले रहे हो आप। हेलो सबको, हेलो स्वाति और अंकुश भाई आ चुके हैं हमारे यहाँ, कंट्रोवर्सी किंग। हेलो, तो हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। वो देखिए पंडाल लगा हुआ है, आइए दिखाते हैं। हमारे वजह से ही थोड़ा सा है, नहीं तो अब तक तो क्लियर हो जाता ना। ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल जाएगा हम वो खा लेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपना ही घर है। हाँ, जहाँ जाओ अपने घर जैसा समझो। अभी इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने सब हटा दिया है। अच्छा, सब मैंने पलट दिया क्योंकि काफी लेट हो रहा था। अब मैं थोड़ा गर्म कर रहा हूँ। गर्म मत करो, गर्म मत करो भैया, ऐसे ही दे दो। गरम मत करो, बहुत टाइम हो रहा है। होंगे यार वो सब। और क्या ना, गरम मत करो, ऐसे दे दो भैया। तो भाई पनीर, चावल, रोटी, साथ में दाल। बस धन्यवाद सर, हम ले लेंगे सर। वाली दाल हम ले लेंगे, तड़के वाली दाल है और अचार। अरे भैया इतनी कृपा क्यों कर रहे हो, क्यों करना जरूरी है। धन्यवाद, आ जाओ जी, जो खाना खा लो, वरना बाद में मत कहना बुलाया नहीं। चलो अमित भाई मिलते हैं सुबह। आज मैं छोड़ देता हूँ आपको। ओके बाय, अच्छे लग रहे हो आज आप। ऐसे ना देखो, रात के 12 बजे ऐसे तैयार होकर वीडियो बनाई जाती है। क्या लग रहे, अच्छे लग रहे हो। सही कहा, मेहनत। देखो भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, चलो सुबह मिलते हैं फिर। हैं चलिए, हम भी आ रहे हैं, आप तो नीचे रहोगे, मैं जाऊंगा ऊपर जा रहा हूँ मैं। चलिए 13 पे। हाँ मैं 14 पे जाऊंगा। अच्छा देखा, 33 पे आ गया मैं, 33 पे। टाइम देख लो आप, टाइम देखो, 33 पे आ रहा है, 10:33 का बोल के। कितना टाइम हो गया, आइए पधारिए। हेलो हेलो, तो देखो यहाँ पे नीतू दीदी आई है, सबनम दीदी आई है, नेहा दीदी और वंदना दीदी, सब बातें करते हैं। मैंने कहा क्या बात है, सब 10 बजे फोन कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। मैंने कहा यार सोने के लिए थोड़ी आए। आज मेरी सच में बहुत तबीयत खराब थी, सर में दर्द हो रहा था। वो तो मैंने वीडियो में देख लिया, मैंने वहीं से हाथ जोड़ लिए। वो ये कह रहा है मैं हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, जब मेरे पास गोदी में आता है तो थर्ड फ्लोर पे रहता है। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग, अब थोड़ी सी मस्ती करते हैं, कैमरा बंद करते हैं। जा पानी लेके आओ। नहीं अच्छा तो बच्चा है, वाकई में बहुत प्यारा लड़का है, दुआएं हैं इसके लिए दिल से बहुत सारी। बड़ा यूट्यूबरों की भी क्या जिंदगी है, उठे गिरो जैसे उठो। सही बात है, ए गाइस सबने खाया, ए गाइस सबने ये खाया, ए गाइस इसने देखा, उसने बोला, इसने सुना, गाइस ऐसा, ओ गाइस दिन खत्म, बाय। मेरा व्लॉग अच्छा, कहीं से शुरू, कब खत्म, पता नहीं, पता कब क्या बीच में हो जाएगा। जब पता है, जब सचिन भैया, अमित भैया इन सबको देख लेते तो और ही पागल हो जाते। नहीं वो देख के मतलब ऐसा मैं सच बता रहा हूँ, टाइम पे यही सोच रहा था 30 लाख क्लास उठाऊंगा कैसे, ऐसा कर पानी। नहीं पी चुकी मैं पूछ रहा हूँ, कहीं तुमको मेरे को नहीं पूछा। लो भी पानी, मैं तो फिर यही था वैसे।